पास से बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा पहले दिन प्रवेश को 20 मिनट की छूट, जूता मोजा पर प्रतिबंध। बिहार बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा आज से आयोजित की जाएगी। परीक्षा 22 फरवरी तक चलेगी। परीक्षा केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाने पर प्रतिबंध है। परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पहले तक ही परीक्षार्थियों को इस बार परीक्षा हॉल में प्रवेश दिया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तत्वाधान में मंगलवार से मैट्रिक की परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा 22 फरवरी तक चलेगी। मैट्रिक की परीक्षा के लिए 16,37,414 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा दोनों पालियों में आयोजित की जाएगी। प्रथम पाली 9:30 बजे एवं दूसरी 2 बजे प्रारंभ होगी। दोनों पालियों में प्रश्न पत्र पढ़ने एवं समझने के लिए परीक्षार्थियों को 15 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रश्न पत्र दस सेटों में होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मंगलवार से आयोजित मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन परीक्षार्थियों को केंद्र में प्रवेश के समय में 20 मिनट की छूट दी है। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर का कहना है कि मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन प्रथम पाली के परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों में 9:20 तक प्रवेश कर सकते हैं। प्रथम पाली की परीक्षा 9:30 बजे प्रारंभ हो जाएगी। वहीं दूसरी पाली के परीक्षार्थी 1:50 बजे तक परीक्षा केंद्रों में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि यह छूट केवल पहले दिन के लिए ही लागू होगी। पटना जिले में मैट्रिक परीक्षा के लिए 4 मॉडल केंद्र बनाए गए। पटना जिले में मैट्रिक परीक्षा के लिए 71 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 70,930 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। प्रत्येक परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है। बिहार बोर्ड द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मोबाइल, ब्लूटूथ, पेसर, हाइटनर, इरेजर, कैलकुलेटर, ईयरफोन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बिहार बोर्ड के निर्देश पर मैट्रिक परीक्षा की जांच 2 स्तर पर की जाएगी। पहली बार परीक्षा केंद्र के गेट पर जांच होगी। दूसरी बार परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थियों को घोषणा करना होगा कि सभी परीक्षार्थी की जांच कर ली गई है। परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पहले तक ही परीक्षार्थियों को इस बार परीक्षा हॉल में प्रवेश दिया जाएगा। इस तरह पहले पाली में 9 बजे तक और दूसरी पाली में 1:30 बजे तक प्रवेश मिलेगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा हॉल में जूता मोजा पहनकर आने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। केवल चप्पल पहनकर आने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा हॉल में एंट्री दी जाएगी।